यहाँ आपको स्क्रीन पे तीन सवाल दिख रहा है। इस सवाल में आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या ग्रेटेस्ट है और कौन सी संख्या स्मॉलेस्ट। ठीक, इस क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हल करने का क्या तरीका है? वो तरीका बिल्कुल आसान है, न कलम लगाना है न कापी लगाना है, एकदम देख करके बता देंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो दिया हुआ है अंदर संख्याएं 13 और 11, इन दोनों के बीच में कितने का फैसला है, कितने का अंतर है? दो का अंतर है। चलिए, इसमें अंतर दो आ रहा है, इसमें हम अंतर निकाल लेते हैं 7 और 5 में, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? दो का अंतर आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं 5 और 3 में कितने का अंतर है? दो का अंतर है। बताइए कि इसमें जो अंतर आ रहा है वह अंतर कैसा है, समान है कि नहीं है? समान है। अंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है ना, यानी कि सेम आ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन में अंतर समान आता है, बराबर आता है, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इतना ख्याल रखना होगा कि जो भिन्न, यानी जो भिन्न करें, जो संख्या छोटे अंकों से बनी है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। इसमें छोटे अंकों से संख्या कौन बनी है, सबसे छोटा अंक कौन है? 5 और 3, यही सबसे छोटे अंक हैं देखने में ना, तो ये देखने में छोटे हैं लेकिन सबसे बड़े हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, लिखने की जरूरत है, बस आपको याद रखना है कि जो संख्या छोटी होगी, जो संख्या देखने में छोटी लग रही है वह संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट होगी। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो किसको बताएंगे? छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो बड़ी संख्या कौन है? ए है। तो ए वाली जो संख्या होगी आपकी ग्रेटेस्ट होगी, क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी ना, ये जो संख्या है क्या होगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। और जो स्मॉलेस्ट नंबर से बनी है यह आपकी क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ठीक, बस यही तो आपको बताना है, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। नहीं बता लेंगे? बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब अगला सवाल है 13/16, 11/14, 8/11, 5/8, 4 संख्याएं आपके सामने हैं। इसमें आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो इसमें भी हम अंतर निकालेंगे, संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो किसका अंतर निकालेंगे? 13 और 16 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है ना। इधर चेक कर लीजिए कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर इसमें भी है। तो इसमें जो अंतर आपका आ रहा है वह अंतर कैसा है? समान है, सेम है। ठीक, जब अंतर सेम होता है तो कौन संख्या बड़ी होती है, कौन संख्या छोटी होती है, इसको एक लाइन लिखने का काम है। या तो लिख लीजिए या तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, छोटी भिन्न छोटी होगी और बड़ी भिन्न बड़ी होगी। इसमें छोटी भिन्न देखने में कौन लग रही है, यानी कि छोटे अंकों से भिन्न कौन बनी है? 5/8। तो 5/8 जो है ये छोटे अंकों से बनी है ना, तो ये सबसे छोटी होगी। क्लियर, तो यह क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो गई कि नहीं हो गई? सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी अंकों से भिन्न कौन बनी है? 13/16। तो ये जो आपकी भिन्न है यह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्लियर, लेकिन इसका उल्टा इसमें है,
इसमें छोटी संख्या से बनी भिन्न छोटी होगी, लेकिन इसमें छोटी संख्या से बड़ा सवाल जो होगा वो सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। इन दोनों में उल्टा होता है, ख्याल रखिएगा इस चीज को। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो आपका तीसरा सवाल है इसको मिटाने के बाद समझाते हैं, ठीक है? पहले इतना सवाल को नोट करिए, नेक्स्ट सवाल जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।